दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एलईडी टीवी के अंदर यूट्यूब को कैसे चलाएं। ठीक है गाइस, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो एप्लीकेशन है उसको ऑन कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दो एप्लीकेशन है या आप इंटरनेट देख सकते हैं, इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है इसको भी आपको ऑन कर देना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब सिंपल से आपको अपने एलईडी टीवी के अंदर करना है ये प्रोसेस। ठीक है, अब डायरेक्टली आप अपने सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ पर जो सेटिंग्स दिख रही है इसके अंदर आपको चले जाना। सबसे पहले आपको दबा देना है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं होम बटन दबा देना है या फिर मेनू बटन दबा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे होम बटन है या फिर आपके अपने एलईडी के हिसाब से आपको होम बटन पर चले जाना है। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद में चले जाना है आपको सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स पर। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग आ चुका है, अब इसको हम क्लिक कर देते हैं ओके। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसे नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे आपको यूट्यूब के अंदर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको वही सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको सबसे पहले हम बैग हो जाते हैं। बैग होने के बाद आपको मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको वायरलेस पर चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए आप वायरलेस पर जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने सभी जो वाईफाई है आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर जो ये मोबाइल है अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वीवो का मोबाइल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओके कर देना। अब वो पासवर्ड डालना है जो आपके हॉटस्पॉट पे सेट किए हुए, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ अपने पासवर्ड को। उसके बाद में सिंपल सा आपको हल्का सा मेनू बटन या फिर बैंक बटन को एक बार फ्रेश करना है। ठीक है, अब आपका ये जो कीवर्ड है हट गया, अब आपको ओके पे आना है। ओके पे आने के बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग वाईफाई। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, वेट करने के बाद में ये कंप्लीट तरीके से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने कनेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पासवर्ड को सही तरीके से लगाए और आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब दोस्तों आपको सिंपल सा बैक हो जाना और किसी भी एप्लीकेशन को आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब फंक्शन को चेक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हमने यूट्यूब को ओपन किया तो यहाँ पर डायरेक्टली ये ओपन हो गया। अब आप किसी भी इस मूवी को या फिर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर चला सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड टीवी के अंदर यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो गाइस वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।